इतिहास पुरुष कभी भी राज्य सत्ता प्राप्ति, जमीन जायदाद, धन संपदा या यश प्राप्ति के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने ताउम्र अन्य अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ तलवार उठाई और लड़ाइयां लड़ी। गुरु गोविंद सिंह की तीन पीढ़ियों ने देश धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। आज उनकी जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार भारत में सिखों के नौवे गुरु गुरु तेज बहादुर और उनकी पत्नी माता गुजरी के यहाँ हुआ था। वह गुरु तेज बहादुर के इकलौते पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह एक आसमिक और बुद्धिमान बच्चे थे और उन्होंने सिख धर्म ग्रंथों, हिंदू शास्त्रों, फारसी और मार्शल आर्ट सहित कई विषयों में गहन शिक्षा प्राप्त की। उन्हें तलवार, धनुष और बाण जैसे हथियारों के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया गया था। जब गुरु गोविंद सिंह केवल 9 वर्ष के थे तो उनके पिता को मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने और हिंदुओं के अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शहीद कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह को सिख समुदाय का नेता बनाया गया और सिख धर्म की शिक्षाओं को फैलाने और न्याय और समानता के लिए लड़ने में अपने पूर्ववर्तियों के काम को जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह को उनके सैन्य और आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ सिख धर्म और उनके धर्म ग्रंथों के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक खालसा की स्थापना थी, जो सिखों का एक समुदाय है जो एक सख्त आचार संहिता का पालन करते हैं और सभी लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म गुरु के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया और उसमें अपनी रचनाएं जोड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय और अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुगल सम्राट और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई लड़ाइयां भी लड़ी। उन्हें विशेष रूप से आनंदपुर साहिब की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, जहां उन्होंने और उनके अनुयायियों ने बड़ी मुगल सेना के खिलाफ सफलतापूर्वक अपना बचाव किया। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। बहादुर शाह को बादशाह बनने में गुरु गोविंद जी ने मदद की थी। इसी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वाजिद खां को गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने दो पठानों के साथ मिलकर गुरु गोविंद जी की हत्या करने की साजिश रखी, जिसके बाद एक युद्ध में दुश्मनों के हाथों गंभीर रूप से घायल होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी की साल 1708 में 41 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी को महान योद्धा और अत्याधुनिक नेता के रूप में याद और सम्मानित किया जाता है और सिख धर्म के विकास में उनके योगदान का धर्म पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।